दोस्तों आज का ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि कल मैंने हमारे चैनल के एक वीडियो में एक गलत इन्फॉर्मेशन दिया था और उसी को क्लैरिफाई करने के लिए है आज का ये वीडियो। दोस्तों कल हमने हमारे चैनल में एक वीडियो अपलोड किया था, इस बात के ऊपर डिस्कस किया था कि बांग्लादेश एयरफोर्स क्या ब्रिटेन से सेकेंड हैंड यूरोफाइटर टाइफून जेट्स खरीदेगा या फिर ब्रांड न्यू फाइटर जेट्स को खरीदा जाएगा। तो उस वीडियो के एक जगह में मैंने ऐसा बताया था कि बांग्लादेश की प्रेसिडेंट ने ये बताया है बांग्लादेश एयरफोर्स 8 नया 4.5th जनरेशन फाइटर जेट्स को खरीद रहा है। दोस्तों इस बात को मैं गलत कहा था और इसलिए मैं आप सभी से तहे दिल से माफी मांगना चाहता हूँ क्योंकि मैं अपने सारे वीडियोस में हमेशा सही इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूँ और ये भी कोशिश करता हूँ कि आप तक कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन ना पहुँचे। दोस्तों बांग्लादेश की प्रेसिडेंट ने कहा था कि बांग्लादेश एयरफोर्स 16 नए 4.5th जनरेशन फाइटर जेट्स को खरीदने वाला है। असल में दोस्तों हुआ यूं कि मुझे बहुत ही अच्छी तरह से पता था कि बांग्लादेश की प्रेसिडेंट ने क्या कहा था, लेकिन मैं जब इस वीडियो को बना रहा था तो गलती से बोलते वक्त मैंने 16 के जगह 8 फाइटर जेट्स बता दिया और मैंने जब वीडियो को अपलोड किया मेरे चैनल में तो बाद में आप सभी का ये कमेंट्स आ रहा था कि ये 8 नहीं 16 है। तो इसको देखने के बाद मैंने वीडियो को खुद एक बार फिर से देखा और तभी मुझे पता चला कि मैंने एक गलत इन्फॉर्मेशन को वीडियो में दे दिया है और उसके लिए मुझे बाद में बहुत ही बुरा लग रहा था और मैं सोच रहा था कि कल ही मैं कम्युनिटी टैब में इसके लिए एक क्लैरिफिकेशन दे दूं और मेरे गलती की बात बता दूं, लेकिन बाद में मैंने सोचा सिर्फ एक कम्युनिटी टैब से इसको बोलना ठीक नहीं रहेगा बल्कि एक वीडियो बना के मैं अपने गलती के लिए माफी मांग लूं। तो इसी बात के लिए मैं आज इस वीडियो को बना रहा हूँ और मैं फिर से एक बार आप सभी से माफी मांगना चाहता हूँ क्योंकि आप में से बहुत लोगों को कल के वीडियो को देखने के बाद शायद बहुत कंफ्यूजन हुआ था और वो नंबर 8 नहीं बल्कि 16 है। लेकिन दोस्तों मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि उस वीडियो में मैंने और जितने बात कहा है वो गलत नहीं था और मैं इस वीडियो में भी फिर से एक बार ये बताना चाहता हूँ कि अगर इन वर्स्ट केस बांग्लादेश एयरफोर्स की तरफ से 16 सेकेंड हैंड यूरोफाइटर टाइफून्स को खरीदा जाता है तो इसमें कोई भी परेशानी की बात नहीं है क्योंकि ब्रिटेन के जितने भी यूरोफाइटर टाइफून्स है उसको शुरू से ही काफी हाईली मेंटेन किया गया है और उनके कंडीशंस बहुत ही अच्छा है और अगर 16 ही ब्रांड न्यू फाइटर जेट्स को खरीदा जाता है तब तो बहुत ही अच्छी बात है। तो दोस्तों फिर से एक बार सॉरी फॉर माय मिस्टेक और जानबूझकर इसको करने का मेरा कोई इरादा नहीं था, गलती से हो गया और मुझे उम्मीद है कि आप सभी समझ रहे हो इस बात को। तो यही पर खत्म करते हैं आज का वीडियो।